गरियाबंद में छैला नदी पर बने चिखली रपटा के टूटने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे हों या फिर आम राहगीर, सभी को कड़ी मशक्कत के बाद ही नदी पार करनी पड़ रही है। ग्रामीणों की मांग पर मुआयना करने पहुंचे कांग्रेस नेता संजय नेताम ने इसे भाजपा शासनकाल के भ्रष्टाचार का नमूना बताते हुए पुल को जल्द से जल्द बनाने का आश्वासन दिया। पिछले साल धार पड़ी थी, 3 साल पूरा टूट गया है, जिसमें से पीछे आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है। नदी को पार करके हायर सेकेंडरी सन्ना स्कूल बस्ती क्षेत्र में पढ़ने जाते हैं। साप्ताहिक बाजार संडे को रविवार चिखली में लगता है, जो सभी को तकलीफ हो रहा है। तो अगले साल से टूट गया है और आने जाने के लिए पूरा दिक्कत ही जा रहा है यहाँ पे। और संडे, हर संडे को ये मार्केट लगता है। हमारे बच्चे लोग भी स्कूल उधर से आते, 20-25 गाँव पढ़ते हैं वहाँ से। हाई स्कूल है यहाँ सन्नावाल, वहाँ सब पढ़ने के लिए आ जाते। तो लोगों को आ जाए बहुत दिक्कत हो रही है, तो लोग यहाँ पे बुलाए। मैं आया हूँ, मौके पर निरीक्षण किया तो देखा भी और इन लोगों की तकलीफ को सुना भी, तो लगा कि बहुत, इन लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत जल्द मंत्री से मिलके, विभागीय अधिकारियों से मिलके इसकी मरम्मत के लिए और आगामी बजट में पुल में जोड़ने के लिए हम लोग बहुत जल्द प्रभारी मंत्री से और विभागीय मंत्री से मिलकर। कोरिया जिले में बैकुंठपुर